नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी में एक भीषण हादसे की दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक बेलगाम डंपर चालक पहले एम्बुलेंस को टक्कर मारता है, इसके बाद दो बाइक सवार व एक स्कूटी भी चपेट में आ जाती है। इस भीषण हादसे में दो बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो घायल उपचाराधीन है। वहीं अनियंत्रित डंपर सड़क किनारे चाय के खोखे में जा घुसा। हादसा रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित फिदेड़ी मोड़ पर हुआ है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह एक डंपर चालक रेवाड़ी की तरफ से धारवेड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक एम्बुलेंस डंपर को ओवरटेक करती है। इसमें डंपर एम्बुलेंस से जा टकराता है। इस दौरान सड़क पर पास से गुजर रहे दो अलग अलग बाइक सवार व स्कूटी सवार भी चपेट में आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि बाइक व स्कूटी पर सवार चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। चारों को रेवाड़ी के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया जाता है। चिकित्सक दोनों बाइक सवारों को मृत घोषित कर देते हैं। मरने वाले एक व्यक्ति की पहचान 39 वर्षीय ढाणी कोलाना निवासी रविंद्र यादव के रूप में हुई है। दो बच्चों के पिता रविंद्र यादव रोजाना की तरह सुबह बाइक पर सवार होकर धारवेड़ा स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी के लिए जा रहे थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। वहीं दूसरे मृतक की पहचान कहाड़ी निवासी लक्ष्मण के रूप में हुई है। वहीं हासका निवासी स्कूटी सवार पवन सहित अन्य दो उपचाराधीन है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि यह पहली बार नहीं है जब बेलगाम डंपर चालकों की वजह से रेवाड़ी में इस तरह के हादसे हुए हों। इन डंपर चालकों के चलते कई लोगों के परिवार उजड़ चुके हैं। ऐसे में इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जरूरत है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। अब आपको दिखाते हैं मौके पर मौजूद SHO व प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा। नाम है मेरा पवन है जी, पवन कुमार। कैसे, क्या हादसा हुआ है आप? मैं कहां से आते, कहां मैं बिठवाड़ा मंडी से हादसा का जा रहा था। फिदेड़ी मोड़ के पास ब्रेकर से मैं तो कूद लिया था। पता नहीं पीछे से, मेरे पीछे एम्बुलेंस थी एक, और एम्बुलेंस के पीछे ट्रक था। ट्रक वाला ने एम्बुलेंस के टक्कर मारे, एम्बुलेंस टिकी मेरे आके, तो मैं वहीं पड़ गया। फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके एक लोग थे? मैं अकेला था जी, सब्जी लेके आया था बिठवाड़ा मंडी से। अभी आप बता रहे थे कि एम्बुलेंस में डेड बॉडी। हाँ, एम्बुलेंस में डेड बॉडी बता रहे थे, वो वहीं निकल के पड़ गई थी। मेरे को तो नहीं पता, लेकिन अब ये मेरे जानकार आए वो बता रहे थे, बोले उसमें डेड बॉडी थी और वो बाहर निकल के पड़ गई थी डेड बॉडी भी। एक साधन थे अजन, ट्रक था और एक एम्बुलेंस थी, ट्रक था और मेरी बाइक थी। इंद्र कुमार जी, कैसे क्या ये सड़क हादसा हुआ? सर, ये गाड़ी यहाँ से आ रही थी, रेवाड़ी की साइड से ट्रक आ रहा था, और इसके आगे एक एम्बुलेंस और तीन व्हीकल थे, और तीनों को समेटते हुए यहाँ से खींच के ले गया हमारा। उसके नीचे दो आदमी आ गए, निकल दो, एक तो डेड हो गया और एक आदमी ज़्यादा सीरियस है, और एक हादसा का बच गया, वो हल्की फुल्की चोट आई। जो ट्रक ड्राइवर था फरार हो गया? नहीं, पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया उसको। कितना क्या नुकसान हुआ आपका? सर, ये करीब करीब 1.5-2 लाख रुपये के आसपास। एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस ओवरटेक कर रही थी डंपर को, डंपर ने उसको साइड मार दी, और साथ में मोटरसाइकिल थी तीन, एक स्कूटी और दो मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल भी वाले भी एक्सपायर हो गया, उनमें से एक, और बाकी इंजर्ड हैं। इंजर्ड को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, चार इंजर्ड है इसमें टोटल, जिनमें से एक एक्सपायर हो चुका है।